मैं थोक में खरीदता हूँ। कितने का आया होगा एक क्विंटल गन्ना छीलने के लिए? देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ है जी। कितने दिन में खराब हो जाएगा? मेरे 300 का डीजल खा जाएगा एक दिन। हम भी सोचे आने वाले भविष्य में हम भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लें। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अभी मार्केट है स्टार्टिंग में तो अभी 1500-2000 रुपए के आसपास का भी हो जाता है। छतरी और ये सब कितना खर्चा किया आपने? ये तो बहुत पुराने हैं, 5 साल करीब हो गए। केवल आया है, ये पिन लगी हुई है। हाँ। दो पिन निकाला और केबल अंदर से गई है। अब मैंने ऊपर ना लेने के जगह में हाँ। मैंने जमीन के नीचे से लिया। अच्छा। जैसे कि अभी मोटर हो गया, मोटर का एक बोर्ड बन गया। ये मशीन है 8000 के आसपास का। अच्छा। है क्या कर रहे हैं आप? मतलब ये गन्ने क्लीनिंग हो रहा है, छिलाई हो रहा है गन्ने का। अच्छा, ऐसा घिस रहे जब जब इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, और ऑटो को आपने वो कर दिया? पाइप लाइन जो लगी है साइड में, मैं खुद एक मैकेनिक भी हूँ थ्री व्हीलर का। अच्छा, ऑटो में कैसे आपने इसको फिट किया है? नगर निगम वाले परेशान करते हैं, कभी हटाओ फुटपाथ से हटाओ, तो अपना चलता फिरता एक बिजनेस है। काफी क्लीन, नीट एंड क्लीन रखे एरिया को, कहीं कचरा नहीं किए हैं। और बाकी टाइम मेरा पार्ट टाइम रहता है, ऑटो वगैरह चलाता हूँ। 2 साल तो लॉकडाउन ही था। हाँ। तो 2 साल तो घर ही में बैठे थे। रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है जी। तो एक छोटा सा रिस्पेक्ट है जो आपको देखेंगे कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे। और एक मैं आपको क्लैप देता हूँ। गाइज, मैं रोशन सिंह, नेवर्ग पीडीएस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे। गाइज, मैं डेली वीडियो लाता हूँ दोपहर 1 बजे और रात को 9 बजे। आप ऐसी मेरा वीडियो देख के बहुत कुछ आप बिज़नेस आइडिया ले सकते हैं। बहुत कम पूंजी में आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। तो इस टाइप से वीडियो मैं लाते रहता हूँ ताकि आप कोई भी काम कर सकते हैं। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर ये सोच लिए तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ऐसी वीडियो आप देखा कीजिए और बहुत सारे मोटिवेशन और बिजनेस रिलेटेड आपको वीडियोस मिलता है। आज मेरे साथ हमेशा शियाराम वर्मा जी हैं, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, जो कि एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गन्ना रस का जो मशीन है और वो ऑटो में फिट है, काफ़ी यूनिक है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो वो 5 साल से ऐसे बिजनेस कर रहे हैं रोड साइड। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है अगर आप रोड साइड करते हैं तो, बहुत सारी इश्यूज़ रहती हैं। तो चलिए आइए हम उनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी लेंगे इस बिज़नेस के बारे। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सियाराम जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार। ये आप कब से बिजनेस कर रहे हैं इस टाइप से? एक करीब 5 साल करीब हो गया है। अच्छा। और अभी ऐसा 2 साल तो लॉकडाउन ही था। हाँ। तो 2 साल तो घर ही में बैठे थे। हाँ। कोई ऐसा कोई काम ही नहीं था। तो सीजन वाइज आप करते? हाँ, सीजन वाइज ही करता हूँ इसको। हाँ। और मेरा 4-5 महीने के सीजन रहता है, जनवरी से लगाता हूँ। हाँ। बस गर्मी का ही काम रहता है। अच्छा। और बाकी टाइम मेरा पार्ट टाइम रहता है, ऑटो वगैरह चलाता हूँ। अच्छा, तो सब टाइप के आप काम करते हैं जी। तो ये बताइए कि ये ऑटो में कैसे आपने इसको फिट किया है? मतलब ये इस टाइप से कैसे आपने, कैसे दिमाग लगाया? क्योंकि ये तो ठेले में मोस्टली होता है जी। तो ये क्या होता है क्योंकि अपन रोड पे हैं, कभी क्या होता है अब शहरों बड़ी नगर निगम क्षेत्र महानगर आते हैं तो उसके बीच में क्या नगर निगम वाले परेशान करते हैं, कभी हटाओ फुटपाथ से हटाओ। तो अपना चलता फिरता एक बिजनेस है, जब आए अपना हटा लिए जाए, जब आए तो कनेक्शन करें। अपना छोटा सा है सेटअप और ऐसा बड़ा भी सेटअप है तो वो उसके लिए क्या परमानेंट जगह चाहिए, तो ऐसा परमानेंट है नहीं। अब रोड के मामले तो रोड के हिसाब से तो छोटा ही लगाना पड़ेगा आने और जाने के लिए। तो मैं देख सकता हूँ कि आप काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन रखे हैं एरिया को, कहीं कचरा नहीं किए हैं, है ना? आसपास कहीं पे भी कचरा नहीं किया, एकदम नीट एंड क्लीन आपने इस चीज को रखा है। प्लस आप इसको क्या छिलाई हुआ है? छिलाई हुआ है, पर देसी जुगाड़ छिलाई वाला बना हुआ है मशीन। अच्छा। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा दूंगा। हाँ हाँ। एक अच्छे वाले गन्ने लिया सीधे वहाँ पे छिलते? नहीं नहीं, ये बगल में लगा हुआ है। अच्छा। गाड़ी में लगा हुआ है। अच्छा, साइड में। तो ये बताइए कि इसका दिमाग कहाँ से आया आपको? गाड़ी में ही क्या, यूट्यूब देख के आप किए या कैसे? नहीं नहीं, मैं खुद एक मैकेनिक भी हूँ थ्री व्हीलर का। अच्छा। और ऐसा मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चीज चेंज करते रहता हूँ, कुछ बनाते रहता हूँ नए नए आइटम वगैरह। तो क्या आपने इसको इसके ऊपर फिट कर दिया है? जी। तो परमानेंट फिट हो गया है? नहीं नहीं, जब चाहे इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, और ऑटो को आपने वो कर दिया? पाइप लाइन जो लगी है साइड में उसको वेल्डिंग करके फिर वो फिर से लग जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि इसका दिमाग कहाँ से आया आपको, मतलब ये वाला बिजनेस करने का? जैसे आप थ्री व्हीलर मैकेनिक है, अब क्या हो गया, पहले मैं थ्री व्हीलर डीजल गाड़ियों पे मैकेनिक था। हाँ। अब मार्केट में क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ गई हैं 2023-24 से 25 से जो भी है पीछे इलेक्ट्रिक। हाँ। अब हो गई डीजल गाड़ी अब कम। हाँ, हाँ। तो अब इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से अपने पास कोई व्यवसाय नहीं रहा तो अपन नया चीज़ व्यवसाय करने की कोशिश की। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब ये गन्ने क्लीनिंग हो रहा है, छिलाई हो रहा है गन्ने का। अच्छा, ऐसा घिस रहे? हाँ, वो छिलाई हो रहा है देखो। अच्छा, तो ये दिमाग कहाँ से आया ये वाला भी?
मैं उसके छिलाई के लिए थोड़ा सा एक यूट्यूब देखा था, दूसरे वो दूसरे तरीका था, तो मैंने इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया। अच्छा, ये काफी आसान है मतलब है। हाँ। अच्छा, इस टाइप से आप छिल देते हैं। तो एक बात बताइए, अगर हम लोग ये बिजनेस को हो गया अगर ये बिजनेस को हम लोग ऑटो में जी ऐसे ही चालू किए जी, तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? ये मशीन कितने का लिए? ये मशीन है 8,000 के आसपास का। अच्छा। है, उसके बाद मोटर आएगी आपका वही 8-7,000 की मोटर आ जाएगी। हाँ। 1.5 HP का। हाँ। और अब ऑटो तो है ही है, तो ज़्यादा फ्रेम की जरूरत पड़ेगा नहीं, जैसे कि टेबल एक फ्रेम बनाते हैं मशीन बैठाने के। हाँ। तो उसको ऊपर से ही बैठा दिए। अच्छा, अब जब चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं। तो ये चलाते कैसे हैं मतलब इसको? गाड़ी? हाँ, गाड़ियाँ चलती ना वो ऐसे नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रिक से चल रही है। ये इलेक्ट्रिक से चल रही है? हाँ, इलेक्ट्रिक से चल रही है। अच्छा, ये मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक से चल रही है। और इसमें आप क्या क्या मैकेनिज्म किए हैं आप थोड़ा बताइएगा एक सेकंड। जैसे कि अब ये मोटर हो गया, मोटर का एक बोर्ड बन गया। हाँ, है ना, बोर्ड बना दिया ये मोटर का अपने के लिए। हाँ। स्विच हो गया, जब कभी जरूरत हो तो बंद कर सकते हो, मशीन बंद हो गई है। और एक कनेक्शन ये हाँ चालू हो गई। अब कनेक्शन गई है, अब कहाँ पर? आप सीधा कनेक्शन मीटर के पास। अच्छा, अब मैंने ऊपर ना लेने के जगह में। हाँ। मैंने जमीन के नीचे से लिया। अच्छा, ये कनेक्शन है यहाँ से, ये केबल आया है, ये पिन लगी हुई है। हाँ। दो पिन निकालो, केबल अंदर से गई है सीधा वो मीटर में लगी है, खंभे में MCB लगी है वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे आपने मीटर वहाँ से लगा दिया जी। ओके ओके, तो एक पुरानी ऑटो में आपने पूरा ये बना दिया, फिक्स कर दिया जी। और ये अपना गन्ने छीलने के लिए देसी जुगाड़? देसी जुगाड़ है जी। अच्छा, इसमें धार प्लेट लगी दो ठोक ऐसा, मतलब पट्टी है उसमें। हाँ। हफ्ते से धार हो गई है, धार होने के बाद थोड़ा सा। अच्छा, प्लेट। तो कितना इन्वेस्टमेंट में पूरा ये ऑटो जैसे सेकंड खरीद लिया? तो मेरे पास था तो उसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था ऑटो को, तो पता नहीं अब कोई अदर कोई पुराने ऑटो इन्वेस्टमेंट लेते हैं बिजनेस के लिए लेते हैं, तो कम से कम पुरानी ऑटो तो 20-25,000 भी मिली जाएगा। अब उसके बाद पूरा सेटअप बनाने में कम से कम उनको अगर बहुत सारे चीज़ें छतरी वतरी लेना है, टेबल लगाना है, तो कम से कम नहीं नहीं मैं 40-50,000 रुपये तो लग ही जाता है। लग ही जाता है। छतरी और ये सब कितना खर्चा किया आपने? ये तो बहुत पुराने हैं, 5 साल करीब हो गया। अच्छा अच्छा, तो अब बताइए कि इसमें क्या आपका फैमिली चल जाता है ये सब जी, काम जी, में? मेरा फैमिली, मैं अकेले ही भी कर रहा हूँ। हाँ। फैमिली चल जाता है। चल जाता है जी जी। मतलब कितना आप सेल डेली का कर लेते हैं? डेली का सेल है, अभी स्टार्टिंग है, तो अभी ऐसा ही कि स्टार्टिंग में तो अभी 1500-2000 रुपये के आसपास कभी हो जाता है। हाँ। कभी 1800 हो जाता है। जब वो मार्केट आते हैं होली के बाद तो करीब ये 3000 के आसपास चले जाते हैं। तो ये बिजनेस को करने के लिए अपन को ये मशीन चलाना आना चाहिए एक तो। जी जी, मशीन और ये भी काफी डेंजर है, मतलब अगर डेंजर है जी, अगर आप चला रहे हैं और हाँ, बहुत इसको ना हादसा वैसा हो जाते हैं कि नजर घटी और दुर्घटना घटी। हाँ। तो इसलिए मशीन चलाने के समय हमेशा मशीन तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ। और क्या होता है कि अब मशीन चला रहे तो कोई कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है, कोई बुरा और कुछ, तो आप वो चीज को छोड़ दो, आप जो काम कर रहे हो उसको पहले देखो, क्योंकि ऐसा कई केस हो चुके हैं कि बात और कुछ नज़र घटने के कारण हटने के कारण किसी को उंगली हाथ ये चले गए, तो इसको भी बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो आपने काफ़ी दिमाग लगाया ये सब चीज़ों में जी, और मतलब यूनिक लगा आपका ये आइडिया। अगर ये कोई करना चाहता है तो वही है 40-50,000 अपन को लगेगा। हाँ, छोटा एक अपना मिनी एक मशीन लेके काम कर गए और एक ऑटो ऐसा चलता फिरता बनाया तो बिजनेस के लिए, तो 50,000 नहीं में लगी जाएगा। इससे पहले आप क्या करते थे ये मैं इससे पहले मैं मैकेनिक हूँ 3-व्हीलर ऑटो का। हाँ हाँ, तो खुद का दुकान है कि? जी जी, खुद का ही है। खुद का है, तो अभी उसको क्या छोड़ दिया आपने? वही बताया ना सर, अभी क्या है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अभी मार्केट है, तो अभी क्या है कि डीजल गाड़ियों कम हो गई है। अब डीजल गाड़ियाँ कम हो गई तो उसमें हम लोग इतनी कमाई है नहीं, पहले जैसे जितना कमाते थे या जितना बिजी रहते थे, अब उतनी अपना सेलिंग नहीं है। अब हो जाती है कि आप पहले क्या करते थे 700-800 हज़ार रुपये कभी कभी कमा लेते थे, अब तो ऐसा हो गया कि आपको 500-400 रुपये 300 रुपये ही बचाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अब वो थोड़ा सा लाइन। ठंड में क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ ठंड और उसमें। हाँ। तो आपके पास कितने ऑटो? ये ऑटो है कि और भी? दो ऑटो है। दो ऑटो है, तो रेंट में दिया उसको? नहीं, इसके करके दो था, एक रेंट में चल रहा है, अभी पुरानी हो गई, एक्सपायरी हो गया इसका वो परमिट वर्मिट और इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कुछ नहीं कहा। वो कितना रेंट आ जाता है आपको? मात्र 200 रुपये है। 200 रुपये? वो क्या डीजल वाली है? डीजल गाड़ी है, पुरानी है वो भी, अभी लास्ट चल रहा है उनका भी, इस साल के बाद वो खत्म हो जाएगा।
2024 में एक्सपायर हो जाएगा। आपको क्या लगता है ई रिक्शा कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत सारा बहुत लोग का डाउन भी कर दिया है, और ऐसा फ्यूचर के लिए भी सोचा जाए तो बहुत अच्छी भी है। अब जैसे कि अब हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने बोले कि अब देश के लिए प्रदूषण गंदगी बहुत जैसा भी हो रहा है प्रदूषण, तो पॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छी बात है। हम भी सोचे आने वाले भविष्य में हम भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लें और हमारे भी बिजनेस अच्छे चले, क्योंकि डीजल इतनी महंगाई भी हो गई है। मेरे पास ऐसा सेटअप डीजल इंजन भी है, अच्छा मोटर के जगह हम डीजल इंजन वाला भी है। फिर आप डीजल इतना महंगा हो गया कि मेरे 300 का डीजल खा जाएगा एक दिन में। सही है, ऐसा आप कम बजट में इलेक्ट्रिक ठीक है तो अच्छा। आपका दिमाग, आपका सच में बहुत तगड़ा दिमाग है। और भी कुछ आप कुछ करते रहते क्या? ये क्या छिला हुआ है? गन्ने हुए हैं, इसको और करके रखा हुआ हो। बिना छिले नहीं डाल सकते ना? डालते हैं, डालने वाले लोग करते, करने वाले लोग। फिर अपने को जितनी ज़्यादा अच्छी सफाई दोगे जूस अच्छी रहेगी लंबी। तो डेली कितने का सामान लाते हो? मेरे पास ऐसा एक बार गिरा देता हूँ एक टन के आसपास, एक स्टॉप रहता है जरूरत है। अभी कितने दिन में खराब हो जाएगा? खराब होगा तो नहीं होगा, ये खराब होता नहीं है। क्या होता है, सूखता है। खराब कभी होगा जब उसके अंदर वजह से कोई फट गया गन्ने या लाल हो गया, वो खराब होता है। अच्छा, ये सूख जाएगा। अच्छा। और कई गन्ने ऐसा खराब भी आता है, उसको थोड़ा चेक करना पड़ता है। अच्छा, हल्का रहते हैं किसी में कुछ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें रहता है, गन्ने भी क्वालिटी रहती है। अच्छा, तो ये आप थोक में ही खरीदते हो? हाँ, मैं थोक में ही खरीदता हूँ। कितने का आया होगा एक कुंटल? अभी ये मार्केट की स्टार्टिंग रेट है, अभी 5.5-6 के आसपास चल रहा है। 550-600 हाँ कुंटल चल रहा है अभी, स्टार्टिंग है अभी। अच्छा। अभी मैं जनवरी की ही बता रहा हूँ। इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 50-60% है ये आपका? 50% ही मान के चलो, क्योंकि अब माल लाए, अब मैं लेबर रखा हूँ, अब उसको भी पेमेंट देना, एक लड़का रखा हुआ हूँ छीलने के लिए। 50% हो जाता है कमाई, मतलब मान लो के बाद अब 1500 का धंधा हो रहा है तो 700 रुपये का लागत आया। सब कुछ खरीदना पड़ता है, डिस्पोजल है, आइस है, गन्ने हैं, साफ सफाई रखना पड़ता है, निगम वाले को महीने में इसकी सफाई का झाड़ू का देना पड़ता है। लेकिन ये बात है कि आप बहुत नीट एंड क्लीन रखे हैं एरिया को। सिया राम वर्मा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू सो मच। नेवर गिव अप इंडिया और जनता की तरफ से एक छोटा सा रिस्पेक्ट है भाई, ये कभी कभार होता है अपन को रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है जी, तो एक छोटा सा रिस्पेक्ट जो आपको देखेंगे कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे। और एक मैं आपको क्लास देता हूँ, है ना, कभी कभार होता है हम लोग को रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप और भी ऐसा काम कीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो है कि हर सीज़न में आपको चेंज करना होता होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता होगा, लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हो, बस आगे बढ़ने का सोच रहे हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कैसा लगा आज हमारे समय? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपने बहुत सारी जानकारी दिया और सही में आप इंजीनियरिंग की एक कला दिखा रहे हो इसमें, क्योंकि एक मैकेनिक होके और इस टाइप से आप एक यूनिक टाइप से, बहुत लोग बहाना मारते हैं कि अभी मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, बट आपने बहुत कम पैसे में जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो गाइज मेरा ऐसी वीडियो देखा कीजिए, इनसे मिल के अच्छा लगा है, और इनसे मिलने के बाद आपको भी बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा। मेरा वीडियो डेली आता है दोपहर 1 बजे, रात को 9 बजे, ऐसे ही आप वीडियो देख सकते हैं और आगे बढ़ने की सोच सकते हैं, और ऐसे लोग से मिलने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है और कम पैसे में भी आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, ये हम समझ सकते हैं ये सब बिज़नेस से। सो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और ऐसी मेरा वीडियो देखा कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कभी हार मत मानिए अपनी लाइफ में। नेवर गिव अप इंडिया, बाय गाइस, सी यू सून।